महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की कुर्सी खतरे में। सूत्रों के मुताबिक सीएम बदलने की तैयारी में कांग्रेस एनसीपी। दिल्ली में शरद पवार के घर कांग्रेस और एनसीपी नेताओं की बैठक। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी सुशील कुमार शिंदे के नाम पर तैयार। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी ने कांग्रेस से कहा वक्त बहुत कम है, अगर सीएम बदलना है तो पृथ्वीराज चव्हाण की जगह सुशील शिंदे को बनाया जाए। कल कैंपोकोला से बिल्डिंग को सुबह 8 बजे से खाली करवाने की कार्यवाही शुरू करेगी बीएमसी। पुलिस ने चारों गेट की बैरिकेडिंग के इंतजाम किए। अभी तक सिर्फ 96 में से 7 परिवारों ने ही अपने फ्लैट खाली किए हैं, बाकी लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री चव्हाण ने बीएमसी कमिश्नर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया। अवैध इमारतों से दिलाएगी निजात। इस कमेटी में दूसरे शहरों के नगर पालिकाओं के बड़े अधिकारी भी होंगे शामिल। ये कमेटी ऐसी नीति तैयार करेगी जिससे अवैध निर्माणों पर लगाम लगाई जा सके। सीएम पद की दावेदारी पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा हम पहले चुनाव जीतना चाहते हैं, बाकी मुद्दे बाद में। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा था किसी भी स्थिति में शिवसेना का ही होगा मुख्यमंत्री। पीडी जिंदा मामले में आईपीएल के सीईओ का बयान। बयान दर्ज कराने मरीन ड्राइव थाने पहुंचे थे सुंदर रमन। तीन दिन के अंदर मुंबई पुलिस को बयान देगी पीडी जिंदा। पुलिस ने दिया था 7 दिन का समय। मुंबई पुलिस ने नुसलीवालिया के घर बढ़ाई पेट्रोलिंग। नेस के बताया नुसलीवालिया को अंडरवर्ल्ड से मिल रही थी धमकी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एनसीपी मुखिया के मिलने की खबरों को बीएसपी की महाराष्ट्र इकाई ने किया खंडन। कहा कांग्रेस से ज्यादा सीटें बटोरने के लिए एनसीपी फैला रही है अफवाह। महाराष्ट्र अपने दम पर लड़ेगी बीएसपी, सभी 288 सीटों पर देगी टक्कर। बीएसपी के साथ समझौते से एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने किया इनकार। कहा लेकिन समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ हाथ मिलाने को तैयार। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शरद पवार विधानसभा चुनाव में बीएसपी से गठबंधन करके मराठा दलित वोट बैंक को एक साथ साधने की फिराक में है। महाराष्ट्र के दलित समुदाय में मायावती की अच्छी पैठ। विदर्भ में बीएसपी की वजह से कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान पहुंचा था। शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने आरपीआई के रामदास अठावले के जरिए दलित वोट जुटाने में सफलता मिली थी। महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी में शामिल हुए गोपीनाथ मुंडे की पार्टी से विधायक बेटी पंकजा मुंडे। पार्टी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें दी जाएगी अहम जिम्मेदारी। पंकजा मुंडे को गोपीनाथ मुंडे की जगह कोर कमेटी में जगह दी गई है। महाराष्ट्र की बीजेपी इकाई पंकजा को कैबिनेट में पद दिए जाने की मांग करेगी। नए बने परिवहन मंत्री मधुकर चव्हाण पहुंचे आरटीओ दफ्तर, जाकर सुनी कर्मचारियों की समस्याएं, खाली पड़े पद भरने का आश्वासन दिया।
नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलविश। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की कुर्सी खतरे में दिखाई पड़ रही है। लोकसभा में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन को पार्टी किसी हालत में दोहराना नहीं चाहती। चव्हाण की जगह सुशील कुमार शिंदे को लाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी को लग रहा है कि देर से ही सही चव्हाण को बदल कर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर विधानसभा चुनाव में कुछ दल तक काबू पाया जा सके। महाराष्ट्र में इस साल सर्दियों में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय स्तर पर पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व के खिलाफ जो आवाजें उठ रही थीं, उनकी गूंज अब लगता है केंद्रीय नेतृत्व तक भी पहुंच गई है। कांग्रेस पृथ्वीराज चव्हाण को मुख्यमंत्री की गद्दी से हटाकर उनकी जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे को राज्य की कमान सौंप सकती है। शिंदे पहले भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को दिल्ली में 6 जनपद पर अहमद पटेल और AK एंथनी के साथ शरद पवार ने मीटिंग की। मीटिंग में शरद पवार ने कहा कि वक्त बहुत कम बचा है, CM बदले जाने से ज्यादा फर्क पड़ना मुश्किल है। अगर बनाना है तो सुशील कुमार शिंदे को बनाओ, फिर मायावती से बात करके दलित मोर्चे पर भी फायदा ले सकते हैं। शिंदे महाराष्ट्र में कांग्रेस का दलित चेहरा है। वैसे मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरे मंत्रियों राधाकृष्ण विखे पाटिल, बालासाहेब थोराट और हर्षवर्धन पाटिल का नाम भी आगे था, लेकिन माना जाता है NCP की शिंदे के साथ अच्छी पड़ती है, जबकि पृथ्वीराज चव्हाण और NCP के समीकरण आपस में मेल नहीं खाते। इसलिए अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदला जाता है तो पवार की पसंद पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र से कांग्रेस के एकमात्र सांसद अशोक चव्हाण को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदलने या बनाए रखने पर कांग्रेस अगले हफ्ते कोई फैसला ले सकती है। दिल्ली से कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। कैंपा कोला के 96 अवैध फ्लैट खाली करवाने का काम BMC कल से शुरू कर देगी। उधर कैंपा कोला निवासी भी किसी भी हालत में फ्लैट खाली करने पर नहीं अड़े हैं। BMC की मदद के लिए कल पुलिस भी साथ होगी। वर्ली स्थित कैंपा कोला इमारत के चारों गेटों पर मुंबई पुलिस ने इसी तरह की बैरिकेडिंग लगाने का इंतजाम किया है। पिछली बार जब BMC बिल्डिंग को खाली करवाने पहुंची थी तो निवासियों ने अपनी गाड़ियां लगाकर सोसाइटी के गेट बंद कर दिए थे। कल से BMC तोड़क कार्रवाई करेगी और इसको देखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के तहत यहां पे बैरिकेटिंग रखी गई है, जो और कहा जा रहा है कि 8 बजे के बाद जो कैंपा कोला की तरफ रास्ते आते हैं उनको बैरिकेटिंग के द्वारा मुंबई पुलिस बंद कर देगी और उसके बाद कोई मूवमेंट यहां पे नहीं हो पाएगी। शुक्रवार को BMC सुबह 8 बजे से पूरे तामझाम के साथ कैंपा कोला सोसाइटी में पहुंच जाएगी। वैसे फ्लैट खाली कराने की मियाद पहले ही 12 जून को खत्म हो चुकी है। उसके बाद BMC ने 17 जून से कार्रवाई करने का ऐलान किया था। फिर सोसाइटी में एक मौत के बाद मामला 2 दिन के लिए और टल गया। अभी तक 96 में से सिर्फ 7 परिवारों ने अपने फ्लैट खाली किए हैं, बाकी सभी लोग यहीं डटे हुए हैं। वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और हम अपने जो है अपने घर की रक्षा करने के लिए जो होगा हम वैसा करेंगे। हम सत्याग्रह पे गेट पे बैठेंगे, उनको हिंसा करनी है तो वो कर सकते हैं, पर हम अपने घर छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे। कुछ भी कर लें वो हमारे पे, पर हम अपने घर छोड़ के नहीं निकलेंगे। पुलिस को भी समझना चाहिए, वो चुपचाप से अपना काम करके जाए, हम तो छोड़ने वाले तो है नहीं। हम बिल्कुल अपना घर अपना हक कभी नहीं छोड़ेंगे, ये तो हम लोग गारंटी देते हैं। राज्य सरकार से लेकर सारे राजनीतिक दल इन लोगों के हक में आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन इनके घर बचाने के लिए कोई ठोस पहल होती नहीं दिख रही। फिलहाल लोगों के तेवर देखकर BMC का काम आसान दिखाई नहीं देता। BMC द्वारा कैंपा कोला के निवासियों को दिए गए 48 घंटे के समय का आज आखिरी दिन था। हालांकि अभी तक कुछ निवासियों ने अपना फ्लैट खाली नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की तैयारी की जा रही है उससे ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि BMC अब पूरी तरह से कार्रवाई के मूड में है। ऐसे में अब कोई चमत्कार ही इन निवासियों के घरों को बचा सकता है। कैमरा महेश मोरे के साथ दिवाकर सिंह, मुंबई आज तक। प्रीति पार्टनर और अंडरवर्ल्ड की तफ्तीश में तेजी दिखने लगी है। मुंबई पुलिस आज दो मोर्चों पर हरकत में नजर आई। IPL के CEO सुंदरमन का बयान दर्ज कराया गया और डॉन की धमकी का शुरुआती ऑपरेशन भी हुआ। सुंदरमन ने बाकायदा माना कि प्रीति जिंटा ने उन्हें घटना के बारे में बताया था। प्रीति पार्टनर विवाद में पहली बड़ी कार्रवाई हुई। मुंबई पुलिस ने IPL के CEO सुंदरमन का बयान दर्ज किया है। सुंदरमन ने मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दिया। उनसे 90 मिनट तक पूछताछ हुई। हम आपको बता दें कि सुंदरमन पूरे मामले में एक अहम कड़ी हैं। पुलिस को लिखे शिकायत में प्रीति ने दावा किया था कि सुंदरमन ऑक्शन के वक्त मौजूद थे।
जब नेसवाड़िया ने पास बैठने की जिद की थी, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। अगले ही दिन नेस ने बदसलूकी की थी, तब सुंदररमन ने ही दखल देकर मामले को शांत किया था। सूत्रों के मुताबिक सुंदररमन ने पुलिस को बताया कि प्रीति ने तीन घटनाओं का जिक्र किया था। पहली लड़ाई टीम स्टाफ के सामने हुई। प्रीति जब अपनी सीट पर बैठने गई तब भी लड़ाई हुई। प्रीति के मुताबिक तीसरी लड़ाई ग्राउंड पर हुई। सुंदररमन के बयान से पुलिस इस नतीजे पर पहुंच सकेगी कि हाल के दिनों में दोनों के रिश्ते कैसे थे, कितनी कड़वाहट थी। मुंबई पुलिस ने सुंदररमन के अलावा बीसीसीआई के अधिकारी अंकित बल्दी का बयान भी दर्ज किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में प्रीति जिस शख्स से बहस कर रही हैं, वो नेसवाड़िया न होकर अंकित बल्दी हैं। प्रीति पार्टनर विवाद में अंडरवर्ल्ड के पेज की जांच भी पुलिस कर रही है। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया है कि कॉल अंडरवर्ल्ड डॉन ने ही किया था, लेकिन उसका यह दावा गलत था कि वो ऑस्ट्रेलिया से फोन कर रहा है। डॉन की धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने वाडिया के कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर सुरक्षा जरूर बढ़ा दी है। अंडरवर्ल्ड की धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने वाडिया ग्रुप को अपनी तरफ से सुरक्षा प्रदान कर दी है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वाडिया ग्रुप का जो पूरा एक कारोबार सेंटर है, हम ये भी कह सकते हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसकी मेन एंट्री पॉइंट है, जहां मुंबई पुलिस की आप वैन देख सकते हैं। प्रीति नेस विवाद में पुलिस दो दो मोर्चों पर काम कर रही है। तफ्तीश की एक लाइन प्रीति जिंटा की शिकायत है तो दूसरी लाइन अंडरवर्ल्ड डॉन की धमकी। वीरेंद्र गुनावत, मुंबई आज तक। सीएम पद की दावेदारी को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच का विवाद फिलहाल तो थमता दिखाई दे रहा है। शिवसैनिकों की उद्धव को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग के बीच उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि उन्होंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है, पहली प्राथमिकता चुनाव में जीतना है, सीएम पद पर फैसला बाद में हो सकता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, लंबे समय से शिवसेना की तरफ से आ रहे ऐसे जुमलों को उद्धव ठाकरे ने कुछ समय के लिए विराम देने की कोशिश की। शिवसेना के स्थापना दिवस पर बोलते हुए उद्धव ने कहा कि पहले महायुति का चुनाव जीतना जरूरी है, बाकी मुद्दों पर बाद में चर्चा होगी। स्वतः व्यक्तिगत स्वप्न घेऊन जगणारा मी नाहीये। जे शिवसेना प्रमुखांचं स्वप्न आहे ते महाराष्ट्राचं आणि देशाचं हित पाहणारं, त्यांचं भलं चिंतणारं ते स्वप्न आहे, त्याच्यामुळे आधी पहिली निवडणूक जिंकली पाहिजे। गुरुवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपा कि हम महाराष्ट्र की जनता से वादा करते हैं अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। संजय राउत ने ताल ठोक कर अपना बयान भी दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना का शिविर मुंबई में चल रहा है, पूरे राज्य से हमारे पदाधिकारी नेता सब लोग आए हैं, तो सभी की ये मांग रही है कि सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी करें और हम उस तरह से मेहनत हमारी चल रही है और ये मेहनत काम आएगी। इसके बाद दिन भर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि बीजेपी ने सामना या संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया ना देना ही बेहतर समझा। मुख्यमंत्री का फैसला उचित समय पर हम लेंगे, वो लेने में हम सक्षम है और उसके लिए कोई गठबंधन में विवाद है वाद है हम ये दिखाएंगे नहीं। मुझे लगता है अधिकृत रूप से जो शिवसेना में प्राधिकृत है या अधिकृत है वो जब कोई बात कहते तो उसके ऊपर आप रिएक्शन मांगिए हम देंगे। 1995 से बीजेपी शिवसेना के बीच समझौता होता आया है कि विधानसभा चुनाव शिवसेना 171 सीटों पर और बीजेपी 117 सीटों पर लड़ती है, पर लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने के बाद बीजेपी काफी जोश में है और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। गोपीनाथ मुंडे की मौत से कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ से उनका नाम मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए लिया जा रहा था, जिसके बाद शिवसेना की तरफ से उद्धव को सीएम उम्मीदवार घोषित करने की बढ़ चढ़ कर मांग होने लगी। मोदी कैबिनेट में ज्यादा अहमियत ना दिए जाने से भी शिवसेना कुछ नाराज है। वक्त बताएगा कि मुख्यमंत्री की दावेदारी के मुद्दे पर 21 साल पुराना गठबंधन कितनी मजबूती से खड़ा रह पाएगा। मुंबई से साहिल जोशी और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।